वालेकुम व्यूअर्स तो चलें जी वीवर्स आज हम आपसे बैंगन के भरती की रेसिपी शेयर करेंगे एकदम इंडियन स्टाइल से और बैंगन का भरता जो है वो अमूमन आप लोगों ने चूल्हे पे बैंगन को जला के और उसका भरता बनाया होगा लेकिन आज हम जो है वो बैंगन को फ्राई करके बनाएंगे बैंगन को फ्राई करने से डीप फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो तासीर गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है और इस तरह मैंने दो बैंगन ले लिए स्मॉल साइज़ के बैंगन जो होने चाहिए फ़्राई करने से पहले इस तरह कट करने से पहले आपके बिल्कुल एकदम ड्राई होने चाहिए खुश्क होने चाहिए बिल्कुल पानी वाले नहीं होने चाहिए इसे एक घंटे दो घंटे पहले ही धो के अच्छे से एक टोकरी में छानी में रख दें ताकि इसका पानी और टमाटरों का पानी और हरी मिर्चों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए जब आप फ्राई करने लगे ताकि उस वक्त आपके ऊपर ये जो छटें पानी के ऑयल के गर्म गर्म वो ना आए आपके हाथ पे क्योंकि अगर गीली आप डालेंगे तो हम इसमें छटे उड़ते हैं अब मैं टमाटरों को भी इस तरीके से कट दूंगी कि टमाटर का भी पानी जो है वो हमारे गरम गरम ऑयल में ना जाए हल्का हल्का सा कट दिया है मैंने हरी मिर्चों को दो पीस कर लूँगी हरी मिर्चें भी खुश्क हैं हमारी टमाटर भी खुश्क है ड्राई है मैंने बिल्कुल डीप कटिंग नहीं की टमाटर की कि पानी अपना छोड़ेगा तो हमारा जो ऑयल है वो छट्टे उड़ने शुरू हो जाएंगे वो तो आपको पता ही है हल्का सा भी पानी गरम गरम ऑयल में जाए तो आग लगने का भी ख़तरा होता है तो ये थोड़ी सी बात है जो कि आपने एक इस रेसिपी को बनाते वक्त ख्याल रखना है एहतियात करनी है कि आपकी सब्ज़ी एकदम ड्राई होनी चाहिए तो मैंने दो हरी मिर्चें एक बड़ा जो टमाटर है वो दो बैंगलों में इस्तेमाल किया है जो कि बैंगनों का साइज़ अभी आपने देख लिया है ना स्मॉल है ना लार्ज है तो इनको बैंगलों बैंगन जो है वो तो ब्राउन करेंगे हम कलर तब तक ये पकाएंगे लेकिन हमारे जो टमाटर हैं इसका छिलका जो है ना ऊपर से फट गया है तो अब हम टमाटरों को निकाल लेंगे हरी मिर्चों को निकाल लेंगे क्योंकि इनको ओवर कुक नहीं करना होता बस सिर्फ इनका छिलका ऊपर से जो है वो भट जाए तो इनको निकाल लेना होता है इसी तरह सेम हरी मिर्चें भी चटाख पटाख करने लगी हैं तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ चटाख पटाख करने लगी हैं इससे पहले कि हमारे फेस पे फे इनका जो चटाख पटाख है वो ऑयल गर्म आए उड़ के तो बस वो हमने निकाल लिया है वो ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी के बैंगन जो जगह बच गई है वहाँ पर बाकी के बैंगन भी ऐड कर रहे हैं तो इन्हें हम डार्क कलर तक फ़्राई करेंगे जैसे कि आप अमूमन बैंगनों को फ़्राई करते हैं अच्छा हमारे पंजाब में जो है बैंगन दही वाले भी खाए जाते हैं बैंगन आलू बैंगन भी खाए जाते हैं बैंगन गोश्त भी खाए जाते हैं लेकिन इस तरह का भरता जो है हमारे पंजाब में मेरे ख़्याल में कि कम ही खाया जाता है बहुत कम खाया जाता है लेकिन ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आज हमें इंडियन स्टाइल से बैंगन का भरता आपसे शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए जो मैंने अभी फ्राई की है आपके सामने बैंगन इनके कलर आपने देख लिए इस तरह इसे फ्राई करना है और इसे ठंडा करने रखेंगे तो यहाँ पे मैं, मैं इसे ठंडा करने रखूँगी बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपने थोड़ा गर्म गर्म ही छिलका उतार लेना है उससे ये होगा कि छिलका आसानी से उतर जाएगा तो अभी तो काफ़ी गर्म ही है तो मैं फिर भी छिलका उतार रही हूँ टमाटर को आपने इसका जो एक सिरा होता है ना टमाटर की जो टोपी होती है उसको भी कट कर लेना है वो भी नहीं आपने इसमें ऐड करना तो अभी मैं गर्म गर्म छिलके उतार रही हूँ फटाफट और इसी तरीके से मैं बैंगन के भी छिलके उतार लूँगी क्योंकि गर्म गर्म आसानी से उतर जाते हैं ये गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है रेसिपी और इस रेसिपी को आप जब ठंडा खाएंगे तब भी मज़ा देगी गर्म करके खाएंगे तब भी मज़ा देगी जो लोग बैंगन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बैंगन की सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत बैंगन को लाइक करते हैं उन लोगों के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है मज़ेदार है टेस्टी है और ज़रूर बना के आप लोग खाइएगा अभी तो मैं हरी मिर्चें जो है उनकी भी ठंडी निकाल रही हूँ और बैंगनों की भी ठंडी जो है वो निकाल लेंगे छिलके उतार लेंगे फटाफट हरी मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्चें भी जानी हैं इस वजह से मैंने इसमें दो हरी मिर्चें सिर्फ ऐड की हैं और छिलके आपके सामने में उतार रही हूँ ये गरम गरम ही उतार रही हूँ इस वजह से ज़रा थोड़ा हाथ भी जल रहा है मेरा लेकिन ठंडा करने से एक महीने ठंडा करने के ठंडा करने के बाद उतारा था थोड़ा मुश्किल हो रहा था मैंने गरम गरम जो उतारे हैं ना वो बहुत ही आसानी से उतर गए थे छिलके तो जी सारों के छिलके भी उतर गए यहाँ पे तो इनकी जो डंडी है वो भी हमने काट ली ये लिखे जी अब हम इनको करेंगे अच्छे से मैश मैशर की मदद से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ जो कि मेरा जितना भी फुर फुल पावर जो थी ना वो मैंने अपनी इस पर लगा कर इसे मैश कर दिया ठीक है अब इसमें डालेंगे हम चीज़ें कुछ कच्चा प्याज डालेंगे जो कि इस पॉइंट पर डालेंगे बहुत मज़े का लगता है इसमें क्रिस्पी क्रिस्पी बनाता है आप ये गर्म गर्म बैंगन जो बना रहे होते हैं ना इस टाइम तो आप ये डालें तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो कच्चा प्याज इसमें एक अच्छा टेस्ट अच्छा जायका देता है हरी मिर्च हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा तो ये चीज़ें तो इसमें डल गई तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च जो टेस्ट के हिसाब से जाएगी और यहाँ पे जाएगी हल्दी भी थोड़ी सी और नमक भी टेस्ट के हिसाब से जाएगा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले अगर आप लोग पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप लाल मिर्चों को ज़्यादा कर सकते हैं मैं गर्म मसाला इस सब्ज़ी में बिल्कुल पसंद नहीं करती इसलिए मैं गर्म मसाला बिल्कुल नहीं डाल रही उसकी जगह पर सिर्फ मैं यहाँ पर सूखा धनिया या सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी ठीक है ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा यहाँ पर फ्लेवर देंगी तो सूखे धनिया की वीडियो जो है वो मिस हो गई कुटा हुआ धनिया जो होता है ना सूखा साबर धनिया कुटा हुआ वो इसमें ऐड करें तो हमने ले लिया एक बर्तन बर्तन को कर लेंगे गर्म तो यहाँ लहसन अदरक भी थोड़ा सा मैंने जो होता है ना वो पीस के रखा हुआ है तो ऑयल जो है सिंपल ऑयल है वो आम जो ऑयल घरों में आप लोग बासप बनास्पति क्या होता है ऑयल कुकिंग ऑयल जो कुकिंग ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं सिंपल वही है ये ऑयल तो मैंने थ्री टेबल स्पून के करीब ले लिया है ऑयल ऑयल अपनी मर्जी के हिसाब से आप ले सकते हैं अपनी चीज़ की क्वान्टी के हिसाब से सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डाला है यहाँ पे प्याज को भी ब्राउन कर सकते हैं जो कि मेरे मैंने नहीं की अगर आप लोग करना चाहें तो इस पॉइंट पर प्याज को भी ब्राउन कर सकते हैं उसके बाद फिर लसन अदरक जो पेस्ट है वो ऐड कर सकते हैं हाफ टीस्पून ठीक है कुछ लोग खाली अदरक भी इसमें ऐड करते हैं मैंने लहसुन भी ऐड किया है ठीक है एक जवा लहसुन का लिया था और वो छोटा सा ही मैंने अदरक का पीस लिया था उसको पीस लिया था ठीक है तो अब इसमें डालूंगी ब्राउन होने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं आलू, जो बैंगन का भरता मैंने रेडी किया था मैश किया था बड़ी मुश्किल से मैश किया था मैशर बहुत अच्छा होता है उससे बड़ी आसानी से मैश हो जाता है तो खैर अब कुछ हम तो यहाँ थोड़ी सी इसकी बुनाई करनी है हमने फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया था ताकि इसकी बुनाई अच्छी सी हो जाए और ऑयल अगर थोड़ा सा और डालना चाहे आप डाल सकते हैं लेकिन इतना ऑयल बिल्कुल था मिर्च मसाले हर चीज़ परफेक्ट थी इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी जो प्याज डाली वो भी परफेक्ट थी और प्याज का जो ये यहाँ पे क्रिस्पी बन है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगा खाने में और जब दातों के नीचे क्रच क्रच कर रहा था ना कमाल की सब्जी लग रही थी मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई ऐसे करते हैं डिश आउट और बैंगन का भरता जो है हमारा रेडी हो गया है तासीर वाइज़ ये ठंडा है और सर्दी गर्मियों में बना के खाएं इसे सर्दियों में बना के खाएं जिनको बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है ना वो सर्दी गर्मी से बना के खा सकते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे गार्निशिंग करूँगी अगर आप उनका दिल करें तो करें अदरवाइज ऐसे ही खा ले तो ये प्याज बिल्कुल ना डालिएगा मुझे ज़रा अच्छी लगती है इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया ही काफी था बस इसमें तो ये थोड़ी सी गार्निशिंग भी हो गई अब आपके सामने खा के भी मैं वे बताऊंगी बैंगन का भरता कैसा बना है है वैसे तो ये मैंने खा लिया हुआ बहुत ही मज़े का बहुत ही कमाल का बना था जरूर ट्राई कीजिएगा और बिस्मिल्लाहमान रहीम करके मैं ये यहाँ पे आपके सामने टेस्ट करती हूं तो कमाल का बना था बैंगन का भरता और मेरे से तो ये छूट नहीं रहा मैं तो यहाँ पे खाऊंगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट्स कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़